केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया था, जिसके बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाने की मांग को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब पश्चिमी यूपी के बाद पूर्वांचल को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जो बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकता है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं, उससे पहले संजीव बलियान का वह बयान देख लीजिए। कहता हूं हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए, 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। पार्टी के नेता तक पहुँचाएंगे इस तरह की बात या पहुँचाई अभी तक? मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं अलग अलग पार्टियों के अलग विचार हो सकते हैं, संजीव बालियान के अपने विचार ये हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना। तो सुना आपने, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद संजीव बलियान पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने और मेरठ को इसकी राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं। अब इसी बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब पश्चिमी यूपी के बाद पूर्वांचल को प्रदेश बनाने की मांग कर दी है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि ये तो लंबे समय से मांग चल रही है, हम लोग पूर्वांचल की मांग करते हैं, कोई बुंदेलखंड, कोई हरित प्रदेश की मांग करता है, अलग अलग सोच है, लोग अलग अलग मांग करते हैं। प्रदेश बड़ा है, प्रदेश में बंटवारा हो, हम भी उसके पक्षधर हैं, हम भी यही मांग करते हैं कि प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाए। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब यूपी को बांटने की बात की जा रही है। 12 साल पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। हालांकि उस वक्त तत्कालीन केंद्र की यूपी सरकार ने कई सवाल उठाते हुए इसे वापस कर दिया था। बहरहाल आपकी इस पे क्या राय है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।